जय हिंद फ्रेंड्स, मैं प्रोफेसर दिलीप सिंह एक बार फिर मिशन एवरेस्ट टिकर डिफेंस में फिर से आपका स्वागत करता हूं। एक बार मैं आपको फिर से क्विक रिव्यू दे दूं कि हमने दो चैप्टर अब तक कवर अप कर चुके हैं विद टेस्ट सीरीज के साथ। कौन कौन से चैप्टर्स हमने कवर अप किए हैं अभी तक? मैट्राइसेस एंड डिटर्मिनेंट एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके हमने टेस्ट सीरीज भी ले दिया है। जो बच्चे हमारे रेगुलर हैं उनको कुछ भी डाउट रहेगा कमेंट सेक्शन में जाके आप पूछ सकते हो, हम लोग वो लेक्चर्स को फिर से रिवाइज कर देते हैं। अपने वायदे के प्रॉमिस के मुताबिक मैं आज चैप्टर नंबर 3 लेके आया हूँ एंड लेक्चर नंबर 12 मिशन एवरेस्ट एनडीए 21-22। सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज ये कंफर्म कर देना चाहता हूं कि सेट होता क्या है। जैसे ही वर्ड नाम आता है सेट, सेट मींस इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन जो ये मैथमेटिक्स वाला सेट है इसमें थोड़ा सा चेंजेस है, बहुत एक वर्ड यूज करेंगे उसी से आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से बोलूंगा अपने सारे बच्चों को कि लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज हम लोग लेक्चर ट्वेल्व में क्या पढ़ने वाले बेटा? सेट थ्योरी, बेसिक इंट्रोडक्शन एंड कंसेप्ट देखने वाले। तो ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम लोग सबसे फर्स्ट स्टार्ट कर देते हैं सेट। अब ये सेट होता क्या है इसको पहले जानना। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, सेट इज अ कलेक्शन, मैं आपकी लैंग्वेज में बता रहा हूं, ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं। मैथमेटिक्स में क्या बोलता है? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। एक वर्ड ये यूज करता है डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होगा कि इसमें किसी भी ऑब्जेक्ट का रिपीटेशन नहीं होगा। अब इसका एक अच्छा इसका ओरिजिन कभी कभी पूछ लेता है। एक मैथमेटिशियन थे सर जॉर्ज, उन्होंने सेट को डेवलप किया, खोज किया उसका। मैंने क्या बोला बेटा अभी? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो हमको डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है नो एम्बिगिटी। नो एम्बिग्यूटी, नो एम्बिग्यूटी का मतलब क्या है कि इसमें आपको इफ एंड बट वाला कंडीशन नहीं आएगा। मतलब जो भी बात होगी एकदम क्लियर क्लियर होगी, दैट इज कॉल्ड डिस्टिंक्ट। एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि एक हम लोग सेट बनाते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं 2021 आईपीएल टीम का। अभी देखते हैं, एक एग्जांपल लेके मैं चल रहा हूं। हमेशा सेट को कैपिटल लेटर्स के किसी भी वर्ड से डिनोट करते हैं। तो लेट अस कंसीडर ए इज इक्वल्स टू, और इस तरह से उसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं। मैं आपको पूरा डिटेल दूंगा। मैंने एग्जांपल क्या लिया कि कलेक्शन ऑफ ऑल प्लेइंग टीम इन आईपीएल 2021। तो कौन कौन सी टीम थी? मुंबई इंडियंस, एमआई, एसआरएच, सनराइजर्स हैदराबाद, सीएसके दिल्ली, चेन्नई सुपर किंग, दिल्ली कैपिटल, केकेआर, कोलकाता नाइट राइडर्स, आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और राजस्थान रॉयल्स। तो कितना हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। एक टीम और कोई रह रही है, वो कौन सी है? एमआई, एसआरएच, सीएसके, डीसी, केकेआर, आरसीबी एंड किंग्स इलेवन पंजाब। तो अभी मैंने आपको क्या डेफिनेशन ऊपर लिखा है? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डेफिनेशन क्या बोल रहा है? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, इट मींस एमआई वन टाइम, एसआरएच वन टाइम, सीएसके वन टाइम, डीसी, केकेआर, आरसीबी, आरजे एंड टोटल ये कितनी टीम है? 8 टीमें हैं और किसी भी टीम का रेपुटेशन नहीं हुआ है। तो इट मींस क्या हो गया? अगर मैं यहीं पे, ये तुम्हारा सेट है, ये सेट का डेफिनेशन कंप्लीट होता है। तो इसको अगर मैं फिर से समराइज करूं कि सेट इज अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट विच इज
denoted by capital letter A in curly braces and separated by comma. किससे सेपरेट करते हैं बेटा? कॉमा से सेपरेट करते हैं. जितने भी बच्चे नए हैं आज लेक्चर में, वो सारी चीज को नोट डाउन करते जाएं. इसी को बोलो कि सर सेट नहीं है ऐसा एग्जांपल. मैं बोलूं एक्स नाम का कोई स्टूडेंट है, उसकी 5 फेवरेट टीमें. अब मैंने वर्ड 5 दिया तो रिपीटिशन नहीं होगा. और मैं अगर केवल बोल दूं फेवरेट टीम, तो ऐसा भी हो सकता है एक्स एंड वाई की फेवरेट टीम, तो हो सकता है एक्स और वाई दोनों को क्या पसंद हो, डीसी डीसी पसंद हो, तो ये सेट का एग्जांपल नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पे डीसी 2 टाइम आ गया. सेट क्या बोलता है? इट्स अ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड. तो मुझे लगता है कि आपको क्लियर होगा सेट का डेफिनेशन. एक एग्जांपल और हम लोग ले लेते हैं. कलेक्शन ऑफ वॉवेल नंबर, वॉवेल लेटर्स. तो अगर मैं वॉवेल की बात करूं, तो अगर मैं ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट ए ई आई ओ यू, दीज आर द वॉवेल्स. ये कौन कौन से हैं अपने? ये वॉवेल है. तो ये भी क्या है डेफिनेशन? किसका? सेट का डेफिनेशन है. अब देखो सर ने जो बोला वो बराबर है कि नहीं है. सर ने क्या अभी डेफिनेशन बोला कि सेट इज अ कलेक्शन of distinct object which is denoted by capital letter and in curly braces. तो देखो A capital letter से denote किया, curly braces के अंदर लिखा, comma से separate किया each. ये इसको हम बोलते हैं elements बोलते हैं. जैसे तुमने matrices में पढ़ा था कि matrices के अंदर ये सारी चीजें elements होती है, वैसे सेट के अंदर कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो होता है वो सारा क्या हो जाता है? तुम्हारा एलिमेंट हो जाता है. और नॉर्मली ये इंटीजर या अगर अल्फाबेट में रहता है तो किस फॉर्म में रहता है? ये अल्फाबेट में भी अगर रहेगा तो ये स्मॉल लेटर में रहेगा. आई होप आप लोगों को क्लियर होगा. ये बेसिक इंट्रोडक्शन था सेट. या मैं सेट की बात करूं कि क्लास के अंदर बच्चों का कलेक्शन, या कितने अलग अलग नाम के बच्चे. अगर एक क्लास के अंदर सपोज एक एग्जांपल और मैं लेता हूं, ए इज इक्वल्स टू राम, राम, सीता, अरुण, अरुण, अगेन राम, तो क्या ये सेट का एग्जांपल है? नहीं, ये सेट का एग्जांपल नहीं है. क्योंकि सेट का डेफिनेशन क्या बोलता है? इट्स अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट. जो भी ऑब्जेक्ट आएंगे, अगर यही राम को मैं कट कर दूं, ये अरुण को कट कर दूं और केवल लिखूं राम, अरुण, सीता, यस, ये एग्जांपल किसका है? सेट का प्रॉपर एग्जांपल है. ओके, दूसरी चीज इसमें अभी हमको ये पढ़ना है, थोड़े से सेट के नोटेशंस आते हैं, जो नोटेशंस आपको जानना बहुत जरूरी है. एक मैं लिख लेता हूं, डॉट डॉट डॉट, आपको दिख रहा होगा, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट, ऐसे जाने दीजिए. इसके कुछ नोटेशंस होते हैं, मैं वो लिख रहा हूं, एन जेड डब्ल्यू आर एप्सिलॉन इक्वल टू नॉट इक्वल टू सच दैट सो ऑन. ऐसे बहुत सारे नोटेशंस इसमें आते हैं. सपोज क्यू आ गया, तो एन रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल एन रिप्रेजेंट्स अ नेचुरल नंबर्स. ये याद रखना है, खाली मैं आपको लिख दे रहा हूं. एन क्या बताता है? हमारा नेचुरल नंबर्स को बताता है, ठीक है. अब इसमें नेचुरल नंबर हमारे क्या है? 1 से लेके इनफाइनाइट तक पॉजिटिव में जो होते हैं वो क्या होते हैं? आपके नेचुरल नंबर्स हो जाते हैं. दूसरा, जेड से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखाते हैं. अगर इसमें कहीं आए और जे की फॉर्म में आए इंटीजर, और जेड को हम इंटीजर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो इंटीजर में सारा कुछ आ जाता है, +1, -1, 0 से लेके, मतलब अगर ये एक्स एक्सिस में ये सारी चीजें भी इंटीजर में आएगी, जीरो भी इंटीजर में आएगा, और जीरो के राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड के भी पार्ट इंटीजर में आएंगे, ये इंटीजर हो जाता है आपका. या कहीं कहीं पे कॉम्प्लेक्स नंबर. वैसे सेट में, सेट थियरी के अंदर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने की जरूरत नहीं है. W से आता है हमारा होल नंबर, आता है
डब्ल्यू रिप्रेजेंट क्या करता है, होल नंबर। अब होल नंबर का मीनिंग क्या है, नंबर विच इज स्टार्ट फ्रॉम जीरो, जो जीरो से लेके चलता है उसको हम क्या बोल देते हैं, होल नंबर में लेके चल देते हैं। रियल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो भी इनफाइनाइट तक चलेगा वो रियल नंबर। इसको सेट थ्योरी के अंदर बोलते हैं एप्सिलॉन, वैसे तो बोलते हैं एप्सिलॉन करके बोलते हैं, लेकिन सेट थ्योरी में एक वर्ड आपको रीड करने के टाइम पे इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, इसको हम क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू बोलते हैं। इसका मैं अभी एग्जांपल आपको करके बताऊंगा। इस साइन को क्या बोलते हैं, नॉट बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू, ये वाला साइन। ये है इक्वल टू, जब मैं इक्वल में इक्वल सेट पढ़ाऊंगा तब आपको इक्वल और डस नॉट इक्वल्स टू को भी मैं रिप्रेजेंट बता दूंगा क्या होता है। इक्वल एंड नॉट इक्वल का मतलब, अगर कोई ए सेट में है और वो बी भी सेट में उसके एलिमेंट है तो वो इक्वल है, अदरवाइज इक्वल नहीं है। ये अभी हम समझ लेंगे। दो लाइन दो डॉट ऐसे आता है, इसको हम सच दैट करके रीड करते हैं। जैसे जैसे हम आगे क्वेश्चंस करेंगे ये चीजें आपको समझ में आएगी। तो ये बेसिक नोटेशंस था, बहुत ज्यादा इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है, खाली ये याद रखो। अभी हम लोग कुछ ना कुछ करेंगे क्वेश्चन तो आपको समझ में आएगा। एक छोटा सा मैं आपको बता देता हूं। सपोज मैं कोई एक सेट लेता हूं, ए इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5 राइट। अब मैं एक यहां पे ले लेता हूं, 1 belongs to A, तो ऐसा स्टेटमेंट राइट है या रॉन्ग है? देखो 1 कहां पे है, ये है, ए में बिलोंग करता है क्या? यस, बिल्कुल करता है, दैट इज ट्रू। अगर दूसरा मैं ले लूं, 6 belongs to A, ये है क्या कंडीशन? नहीं, फॉल्स। तो इसको मैं नोटेशन से कैसे दिखाऊंगा, नॉट अ एलिमेंट ऑफ ए, 6 is not an element of A और 6 does not belong to A, इस तरह से इसका नोटेशन होता है। मैंने बिलोंग्स टू सेम, ऐसे ही इक्वल वाले भी एलिमेंट आएंगे, लेकिन मैं इक्वल डज नॉट इक्वल्स टू अभी नहीं बताने वाला हूं बच्चों, इसको मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में या जब हम सेट थ्योरी को पूरी तरह से एक्सप्लोर करेंगे। आई होप आज के लेक्चर में कंसेप्ट ऑफ सेट आपको क्लियर हो गया होगा कि सेट, मैं एक बार फिर से रिवाइज करा दूंगा, सेट क्या होता है। सेट इज अ कॉम्बिनेशन, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, अलग अलग ऑब्जेक्ट के कलेक्शन को हम सेट बोलते हैं। सेट की एक प्रॉपर्टी है, रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है, उसके एलिमेंट को हम कॉमा से सेपरेट करते हैं, कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं और कैपिटल लेटर के किसी भी वर्ड से डिनोट करते हैं, दैट इज अ सेट। और मैं आपको बताता हूं, रिसेंटली अभी आईपीएल कंप्लीट हुआ है, आप एकदम बढ़िया एग्जांपल इसका याद रखो कि एक 2021 में आईपीएल में टीमों के नाम का कलेक्शन, सो दैट इज अ एग्जांपल ऑफ अ कंप्लीट सेट। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सेट थ्योरी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। टिकर डिफेंस आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता है, मैं पर्सनल लेवल पे आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपके जितने भी फ्रेंड्स दोस्त कलीग जो भी हैं एनडीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको बोलिए चैनल पे आए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूले, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर दें। धन्यवाद, जय हिंद।